हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक SMPS के बारे में। SMPS मींस एम्पलीफायर का। एम्पलीफायर हम बनाते हैं तो हम ट्रांसफार्मर इस्तेमाल का ज़रूरत ही नहीं है, हम एक सिंपली एक SMPS लगा सकते हैं, उतना खर्च भी नहीं आएगा जितना हम एम्पलीफायर को इस्तेमाल करते हैं। ये ट्रांसफार्मर बनाना है 10 एम्पियर 42 वाट 40 वाट ऐसा बनाना है, और उसके बाद बड़ा बड़ा ऐसा वाला रेक्टिफिकेशन के लिए आपको बड़ा बड़ा कपलिंग कैपेसिटर चाहिए, और आपको फिर उसका डायोड लेना पड़ेगा। ये सब का कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें से आपको सिर्फ आपको AC लाइन कनेक्ट करना है, DC मिलेगा। और ये पूरा वीडियो देखने के बाद आना, आपको मेरा इसका पूरा डिटेल्स आपको मिलेगा। और आपको वीडियो पसंद आया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने में फ़ायदा यह है, मेरा जो भी वीडियोस डालेंगे ना, और इस तरीके से वीडियो में डालते रहते हैं तो आपको पूरा उसका डिटेल्स मिलेगा और नए नए अपडेशंस मिलते जाएंगे। ओके, तो एक बेल बटन साइड में दिया होगा, उसको भी आप दबा के ऑल कर दीजिए तो पूरा वीडियोस आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि हम देखो, मैंने एक ये SMPS मुझे 1200 रुपीस पड़ा है। ये मेरा केरला के दोस्त बना के दिया है मुझे। ये SMPS मैंने मेरा एम्पलीफायर बोर्ड के लिए बनाया हुआ था, एम्पलीफायर बनाने के लिए बना हुआ था। इसमें ये प्रॉफिट है मुझे, एक चीज़ पैसा कम है, दूसरी चीज़ स्पेस का इशू नहीं आएगा, एक जगह पे छोटा जगह पे मेरे को इस्तेमाल कर सकता है, और तीसरा चीज़ इसमें बहुत सारा प्रोटेक्शन है, और करंट प्रोटेक्शन, ये रिले लगा हुआ है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, और इसमें सब वोल्टेज अलग अलग वोल्टेज में 40 0 40, USB मॉड्यूल के लिए 05, 18 0 18, ये सबवूफर फिल्टर के लिए है, ये इसका इनपुट है। मतलब इतना DC मुझे मिल रहा है, 18 0 18 DC मिल रहा है, और 05 मिल रहा है USB मॉड्यूल के लिए, 40 0 40 मिल रहा है, और बहुत अच्छा कॉम्पैक्टेड है, बहुत उसका क्वालिटी बहुत अच्छा बनाया उन्होंने। देखिए, बहुत अच्छे क्वालिटी में बनाया उसने। बड़ा बड़ा ट्रांसफार्मर, उसका वजन और ये सब इस्तेमाल करने का ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल SMPS में आपका एम्पलीफायर असेंबल कर सकता है। बहुत लोग बोलते हैं कि इसमें हमिंग इश्यूज आएगा, मगर मैंने इसको इस्तेमाल किया है, ये मेरा 5th प्रोडक्ट है, कभी भी मुझे हमिंग हुआ नहीं है, कोई भी ग्राउंड का इशू हुआ नहीं है, हमिंग हुआ नहीं है। हाँ, ये ज़रूर देखना है कि ये इस्तेमाल करने में ये जो होल है इसमें गैप अच्छा से होना चाहिए, इसमें नीचे PCB कहीं भी ग्राउंड एम्पलीफायर का बॉडी में टच नहीं होना चाहिए। इसमें स्पेशली लिखा हुआ है डू नॉट टच एनी पार्ट्स वाइल मेंस इज प्लग्ड। इधर मेंस जब कनेक्ट किया हुआ है तभी किसी भी पार्ट में टच नहीं करना है, इसी का करंट पक्का लगेगा। ये एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है, वो एक प्रिकॉशन है। ओके, और ये कैपेसिटर जो देख लें तो ये 450 वाट 350 mF का है, तो इसमें से भी करंट लग सकता है, इसलिए उन्होंने बोला कि कहीं भी इसमें टच नहीं करना है। तो आप लोग समझ गया होगा, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आपको इस्तेमाल करके देख सकते हैं। आप लोग किसी को चाहिए तो मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, मैं मेरे दोस्त का नंबर दे देंगे, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ट्रांसफार्मर के लिए भी, ट्रांसफार्मर से भी बहुत अच्छा है, इस्तेमाल करके एक बार देख लीजिए। टेक केयर, बाय बाय।